नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। यूपी टेट 2017 का मामला आज माननीय कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपी टेट 2017 में 14 प्रश्नों को लेकर के विवाद था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ के ऑर्डर जो डबल बेंच के द्वारा दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया फैसला बहाल कर दिया गया था, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया था कि 14 विवादित प्रश्नों को हटा करके फिर से इसके रिजल्ट को तैयार किया जाए। दोस्तों, उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए फिर से माननीय लखनऊ खंडपीठ में भेज दिया था और लखनऊ खंडपीठ से आज इस केस को निर्धारित कर दिया गया है और ऑर्डर भी रिजर्व हो गया है। दोस्तों, अब अगर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह इसमें फैसला दिया जाता है 14 विवादित प्रश्नों को हटाने के लिए, तो निश्चित तौर पर यूपी टेट 2017 का रिजल्ट जो है पूरी तरीके से प्रभावित होगा और इसमें जो याची हैं निश्चित तौर पर वह भी पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। अगर वह सफल होते हैं तो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उनको मौका दिया जाएगा या नहीं, और साथ ही साथ जो इसमें असफल हो जाते हैं, जो बॉर्डर पे होंगे यूपी टेट 2017 में और जिन्होंने चयन ले चुके हैं 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, यह सभी ऑर्डर जब रिलीज किया जाएगा उसमें बातें स्पष्ट हो पाएंगी। तो दोस्तों, यूपी टेट 2017 से जिन अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ था उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और जब भी इसके रिगार्डिंग ऑर्डर रिलीज की जाएगी मैं पूरा डिटेल में आप सभी को अवगत कराने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।